वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? मिसेस नकवी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिदा फातिमा। क्या करते हो आप? मैं स्कूल पर। कौन सी क्लास? सिक्स। आप क्या करते हो? हाउसवाइफ। चले मुझे बताएं, इंसान के अलावा वो कौन सा जानदार है जिसके चेहरे पे शर्मिंदगी के एक्सप्रेशंस नजर आते हैं? डॉग। क्वेरल। क्वेरल। हॉर्स। घोड़ा। उल्लू। नहीं। क्या सुनाएंगे आप? रेसिपी बता दो। और आप? नाच सुना। ठीक है, आप सुनाने के बाद रेसिपी बच्ची को माइक दे दीजिएगा, लेकिन रेसिपी डिटेल में बताइएगा क्योंकि जो खवातीन है वो लिख रही होती हैं साथ साथ। ओके। रेसिपी है ब्रेड रोल एग। इसमें हम आलू, चिकन और बॉयल एग यूज़ करते हैं। इनको तीनों चीज़ों को इकट्ठे बॉयल करके इसमें नमक, काली मिर्च और अपने टेस्ट के मुताबिक आप लाल मिर्चें भी डाल सकती हैं। इनको मैश करने के बाद ब्रेड के ऊपर बटर लगा के और इस मिक्सचर को ब्रेड पे रखना है और इसका रोल बना के इस पर एग और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर लेना और बहुत टेस्टी रोल बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू। सोना आया 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 सोना आया सोना आया 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 वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 हके सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार शाना उदियां उच्चियां ते रुतबा कमाल दा शाना उदियां उच्चियां ते रुतबा कमाल दा मैं लब के ले आवां कितों लब के ले आवां कितों सोना तेरे नाल दा हके सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार सोना आया। वेरी नाइस जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी, बड़ा मज़ा आया इनसे बात की। और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये थी कि आंटी ने जो रेसिपी बताई वो इंतहाई डिटेल में बताई, जो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग भी जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है, रेसिपी डिटेल में बताया करें कि जो खवातीन घर बैठी देख रही होती हैं वो साथ साथ लिख रही होती हैं, सो इसका थोड़ा ख्याल रखा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लबीब अहमद। कौन सी क्लास? 5C। आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेस करती हूँ। चले मुझे बताएं, वो खाने वाली चीज़ है जिसका आधा नाम फलों पे और आधा फूलों पे? आधा फलों पे और आधा फूलों पे। सॉरी मुझे याद नहीं। सुनाएंगे? मैं कोई मैसेज देना चाहूँगा कॉम को। मायम जी, मेरा कॉम के लिए ये मैसेज है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, और जैसे हमारा दीन इस्लाम में हमें बताया गया कि जो भी सबर करता है उसको उसका फल मिलता है, और इससे हम लड़ाइयों से भी बचे रहेंगे। बस ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पीस, पीस इज़ अ वर्ल्ड विदाउट गन्स एंड बॉम्ब्स। पीस इज़ अ वर्ल्ड वेयर एवरीबॉडी आर ट्रू फ्रेंड्स। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। पकड़ भी लो, बहुत मज़ा आया। बहुत बड़ी फैमिली थी, इंजॉय किया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़ैब। आपका नाम? अब्दुल हादी। कौन सी क्लास? नर्सरी। आप क्या करते हैं? मैं IT में हूँ। ये आपका? नेफ्यू। नेफ्यू है। चले, आज कैसे आना हुआ? फैमिली को डिनर करवाना था। ओके, चलो सवाल करते हैं। मुझे बताओ, वो क्या खाने वाली चीज़ है जिसका नाम आधा जो है वो फलों के नाम पे और आधा फूलों के नाम पे? फलों के नाम पे, आधा फूलों के नाम पे? ये तो शादी पे खाते हैं मोस्टली। आई हैव नो आईडिया। खुशी में खाते हैं? मिठाई। मिठाई की चीज़ है वो क्या है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। चलो जी, क्या सुना? अली से अनार अनार बड़े मजे का बेसे बंदर बाग जा अंदर पैसे पंखा घर को सजाया तेसे टोपी बड़ी मोटी से समर हाय मेरी कमर। शाबाश, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए।
थैंक यू जी, बहुत प्यारी फैमिली थी और उन्होंने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को जवाब आ जाता है, आप लोग कोशिश करते हैं, सो कीप ट्राइंग। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस नईम। अब्दुल रफी। मिनाहिल। ताहा। नाम? सोहा। इस बालों पे क्या? जेल। वाओ, बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो जी, खुद बनाए? जी। वाओ, चलो जी, आपके बच्चों में सबसे स्टाइलिश है माशाल्लाह, बाकी सारे मसूम मसूम से लग रहे हैं। चले जी, सवाल करते हैं, ठीक है। इंसान के अलावा वो कौन सा जानदार है जिसके चेहरे पे शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन नजर आते हैं? शेर, फ्रॉग, एलिफेंट, कैट। ये नेचुरल स्टेट है। चले, क्या सुनाना आप? पोएम। आपने? सॉन्ग। आपने? सॉन्ग। चले, आप सॉन्ग। और आपने? मैंने रेसिपी। बे बारी बारी सुनाने, कोई इशू नहीं है, आप सुनाने के बाद माइक आगे पास करते जाएं। There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh. This is a mean old ass man. इनके सिवा जाना कहाँ, करती रहे ये रोशनी, डरता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वाओ, चले जी, मैं आज रेसिपी बताऊंगी आपको चिकन नगेट्स की। चिकन नगेट्स में चिकन का कीमा लें, उसको चॉपर में डालें, साथ दो स्लाइस ब्रेड के डालें, साथ उसमें नमक, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा वाइट पेपर डालें और चॉप कर दें, और उसकी टिक्कियाँ बना के उसके बाद कॉर्नफ्लोर लगा के उसका अंडा और क्रम्स में डिप करके फ्राई करें। थैंक यू, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी, बड़ा मज़ा आया और लोगों ने जो है वो सवालों का जवाब नहीं दिया, ऊपर से देंगे, अरे भाई जवाब आप देते नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही गिफ्ट देते थी ताकि आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकूं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, उल्टा आप लोग ऐसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सबरीन मजीद। क्या कर रही हो? बैचलर्स कर रही हूँ। चलो जी, मुझे बताओ वो कौन सा फल है, फल जिसमें बीज नहीं होता? फल जिसमें बीज नहीं होता? केला। होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो नज़र नहीं आते बीज तो। नज़र तो फिर भी फिजिबल तो है। कोई शेर सुना दूँ कोई? हाँ। किसी को नाज़े खिरद है तो किसी को फख्र जुनून, मैं अपने दिल का फसाना कहूँ तो किससे कहूँ। ये शेर शायर का नाम मुझे मालूम नहीं इस वक्त। आप करते क्या? मैं बैचलर्स कर रही हूँ। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। शुक्रिया। वेलकम जी, बड़ा मज़ा आया इनसे बात की हमने, बहुत अच्छा शेर सुना, किसी और से बात फिजान हैदर। कौन से क्लास? KG। क्या करते हो? मैं टीचिंग कर लेता हूँ घर में, वो नर्सरी KG के बच्चों की। अच्छा, और खुद क्या पढ़ते हो? मैट्रिक के अंदर हूँ अभी। पढ़ रहे हो? क्या बनना है? मेरा तो आर्मी के अंदर जाने का है प्लान। मुझे बताओ, आपसे मेरा क्वेश्चन है, गौर से सुन। एक आदमी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे चढ़ा खुदकुशी करने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, क्यों? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे चढ़ा खुदकुशी करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे चढ़ा खुदकुशी करने के लिए क्यों, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, क्यों? अपने बाद माइक इसको दे। तुम ही हो तुम ही हो
तेरे लिए ही जियो मैं खुद को जो यूं दे दियो है तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा तुझे पाके अधूरा रहा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up the so high Like a diamond in the sun Very nice ji, Lahore News ki taraf se aapke liye Shukriya Lahore News, Lahore Yadi Jani जी लड़के ने जो है बहुत अच्छा गाना सुनाया मुझे तो बहुत अच्छा लगा उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा अच्छा मैंने नोटिस किया लोगों की जो आवाज़ है ना उनको थोड़ा सा उसमें कमांड हो गया जो कि पहले नहीं था अब थोड़ा सा बेहतर जो है वो लोग गाना शुरू हो गए इसी और से बात वालेकुम अस्सलाम क्या नाम मेरा नाम सैयद असलम अहमद क्या करते हैं मैं बिजनेस करता हूँ किस चीज़ का ये लाइटों का ये अच्छा ज़बरदस्त चले जी ये क्या प्राइस होगी स्लाइड ये तकरीबन 350-450 इसमें यानी क्वालिटी है महंगी से महंगी कितने की महंगी से महंगी ये तो 1200-1500-2000-5000 यानी कि कॉस्टली से सस्ते सस्ती से सस्ती 150 रुपए की कौन सी सही रह जाती है वो भी सही रहती है एक साल की वारंटी हो सबकी सबकी सवाल कर जी सवाल करते हैं जी जी एक सवाल हाँ एक सवाल एक घर को मुकम्मल करने में कितनी ईंटों की जरूरत है तकरीबन 200,000 से ऊपर गौर से सुने आपने बताया प्रोग्राम शौक से देखते हैं हाँ जी तो फिर आपको पता होगा सवालों का गौर से सुने एक घर को मुकम्मल करने में कितनी ईंटों की जरूरत है ईंटों की जरूरत आपने कहा है ना मुकम्मल करने में बनाने में नहीं मिनी नगमा पूरा दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान शुक्रिया जी दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान सुना हमने चले जी मैं आपकी हेल्प करती हूँ सवालों पे गौर किया करें मैंने ये नहीं पूछा कि घर बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत है मैंने पूछा है घर को मुकम्मल करने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत है तो जब तक एक ईंट भी कम नहीं पूरी नहीं होगी तो घर मुकम्मल नहीं होगा तो एक अगर ईंट कम होगी तो घर इनकम्प्लीट होगा तो इसलिए घर को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक ईंट की जरूरत है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला क्या करते हैं मैं स्टडी ओके मॉल में कैसे आना मॉल में वैसे डिस्काउंट चल रहा है फूड फेस्टिवल खाना खाने आए थे क्या खाया अभी खाना है आपको देखा तो सोचा इंटरव्यू पहले चलिए सवाल करते हैं आपसे ठीक है चलो खाने से रिलेटेड सवाल करते हैं एक खाने वाली चीज़ है जिसका आधा नाम फलों पर है और आधा नाम फूलों पर गुलाब जामुन तालियां बजाओ अपने लिए क्या सुनाएंगे सॉन्ग कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना तेरा मेरा जहां चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले रख लूं पलकों में मैं खोलूं पलकें ना मैं कोई तुझको ना मुझसे
से चुरा ले, मैं अंधेरों से घिरा हूँ, आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, आ दिखा दे तू मुझको बसेरा मेरा। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। जबरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। जी बहुत अच्छा गाना सुना, जीऊंगा कैसे तेरे बिना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये गाना। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे आज मज़ा आया। खैर, वो आपको दो सवालों के जवाब बता देती हूँ। वो कौन सी चीज़ है जिसका आधा नाम जो है वो फलों के ऊपर है और आधा नाम जो है वो उसका फूलों के ऊपर है? तो वो है गुलाब जामुन। जामुन जो है वो फल है, गुलाब जो है वो फूल है, तो वो है गुलाब जामुन। और एक घर को कंप्लीट करने में कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सिर्फ एक ईंट की, क्योंकि एक ईंट भी पूरी नहीं होगी तो वो मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, सवाल की डेप्थ में जाया करें, उस पर जो है वो आप गौर किया करें। चले जी, अब आज का टैलेंट ऑफ द डे कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छे थे, सब ने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन जिन आंटी ने नाक सुनाई, जिनकी बच्ची जो है वो यूनिवर्सिटी में थी और छोटी सी थी, वो मेरे ख्याल से टैलेंट ऑफ द डे हैं, क्योंकि उस बच्ची ने जैसे अपने आप को कैरी किया हुआ था, वो एक वाकई में टैलेंट था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फेवरेट प्रोग्राम पूछो तो जीतो थर्सडे टू संडे, यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को 7 बजे देखें। मुझे अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।